लाल छानवाल भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से आज हमारा जो देश भर का अन्नदाता दिल्ली में और इनमें 10 दिन से लगातार लड़ रहा है, जो अभी हाल में किसान विरोधी 3 कानून जो बनाए गए उनको रद्द कराने की मांग को लेके, जिसमें मुख्य रूप से MSP निर्धारित कराने की मांग, कम से कम किसान की फसल जो पैदा होती है उसको निर्धारित दर पर कम से कम रेट में खरीदने की गारंटी दी जाए। इस मांग को और भी कॉरपोरेट हाउस के पेंशन पे जो सीमांत किसान है, छोटे किसान है, उसको 6000 रुपया मिनिमम पेंशन दी जाए आदि मांगों को, जंगल जमीन के जो हमारे पुराने पट्टे उन मांगों का और इन सब को लेके, पुराने कर्जे माफ़ कराने के लिए सारी मांगों को लेके भारतीय ट्राइबल पार्टी उदयपुर की जो ये यूनिट है जिसकी ओर से आज उनके समर्थन में प्रदर्शन यहाँ कलेक्टर के ऊपर रखा है। जिलाधीश महोदय के मार्फत में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में हमने साफ मांग की है कि तीनों विधेयक को रद्द किया जाए, कानून को रद्द किया जाए और आगे भी अगर किसान भारत बंद करने जैसी मांग को लेके उतरना पड़ेगा तो भारतीय ट्राइबल पार्टी उदयपुर में गांव और सड़कों पे उनके समर्थन में लड़ने के लिए मजबूर होगी। ठीक, 144 लगी हुई है, परमिशन नहीं मिली, उसके बावजूद भी इतना सारे लोगों को इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन आपने किया है। देखिए, आपका ये पूछना सही हो सकता है, लेकिन आवश्यक सेवाओं के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है, बड़े बड़े चुनाव की इनकी रैलियाँ करने के लिए मंत्री और ये बड़ी बड़ी बिहार हो चाहे और जगह भी हो, हैदराबाद में यहाँ और यहाँ पर भी पंचायत चुनाव में हम सब जगह देख कर आए हैं। इसमें जो 144 की रिंकी है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम हैं जो नाम मात्र के प्रतिनिधि यहाँ आकर आपके सामने। आप लोग जान के खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं ये आप इसको खिलवाड़ किस रूप में मानना चाहते हो? हम ये मान के चलते हैं कि प्रकृति की ओर से ऐसी कोई सजा नहीं है। मानवकृत 82 अरब खरब रुपया कमाने के लिए एक मोनोपोलिस्टों के द्वारा ये साजिश की जा रही है, तो हम ये जो इसको आपके अनुसार किसान भी कानून विरोधी लग रहे हैं आपको, तो ऐसे और भी कॉर्पोरेट हाउस ऐसे गए हैं जो कोविड की बात, वो एक ही बात है, वहाँ पर दिल्ली में जिस तरह से रोकने वाले गए हैं ऐसे हो सकता है यहाँ पर भी आप उनको आज 5 आदमी उनके समर्थन में अपनी बात को रखने के लिए आए हैं, तो उसमें आप है जो इसको कानून तोड़ने की बात कर रहे हो और वो 10 दिन से सर्दी में दिल्ली में रिंग में, अगर इसको आप कानून तोड़ना मानते हो तो हम तो भारत बंद जैसे कदम को भी अगर वहाँ पर उठाना पड़ेगा तो उसमें भी सामने आने के लिए मजबूर होंगे।